हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लाए आपके लिए सेलकोर का D9 मोबाइल। ये मोबाइल मैंने इसकी लुक की वजह से मंगाया है, जो देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका लुक बिल्कुल आईफोन वाला है, आईफोन 13 प्रो मैक्स वही लुक है। और इसकी बॉडी वगैरह देखने का पता चलेगा किस टाइप की है। बिल्कुल स्लिम लग रहा है मुझे, थोड़ा साइज वगैरह इसमें लिख रहा है, सेल की डिज़ाइन वगैरह और सेलकोर इधर के साइड में कुछ डिटेल है। और बैक साइड में इसमें सारे इसकी फीचर वगैरह, बैटरी पिकअप, डुअल सिम में सब लिख रहा है। और फ्रंट में इसकी पिक्चर बनी हुई है। तो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पैकिंग की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो फाड़ लेते हैं हम। जैसा आईफोन का बॉक्स आता है ना, वैसे इसका बॉक्स है। ये हमारा आईफोन 13 प्रो मैक्स निकलने वाला है। ये आ गया हमारा आईफोन 13 प्रो मैक्स। कितनी बेहतरीन प्राइमिंग क्वालिटी आ रही है इसकी। इसका साइज़ वगैरह बहुत बढ़िया लग रहा है, कुछ स्लिम साइज है इसका। और साइड में इसके सिम ट्रे का ऑप्शन दे रखा है। सिम आपको बैक ओपन, बैक पैनल भी इसका ओपन नहीं करना पड़ेगा, साइड से सिम ट्रे निकाल के आप सिम डाल सकते हैं। और इसमें आपको 3 कैमरा देखने को मिल रहे हैं, और ऊपर LED। और फ्रंट की मैं पैकिंग हटा लेता हूँ। वाह भाई वाह, बिल्कुल प्रीमियम लुक आ रहा है इसका। इसे रखते हैं साइड में, अब देख लेते हैं तो बॉक्स में और क्या क्या है। वाह भाई, ये तो पूरा आईफोन ही कर दिया भाई, चार्जर ही गायब कर दिया इन्होंने। तो भाई इसमें मिलती है आपको VS डाटा केबल, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसका एक वारंटी कार्ड है, और इसकी एक नोजी पिन आ रही है, छोटी सी 2 रुपये वाली नोजी पिन है इसमें, बाकी सब कुछ है नहीं। इसमें साइड में रख लेते हैं, आप कर लेते हैं अपने मोबाइल को ऑन। ये हो गया हमारा मोबाइल ऑन। इसमें फीचर तो बहुत सारे हैं इसके, इसमें कैमरा वगैरह भी है, कैमरा भी आपको चेक कराएंगे हम। कैमरा भी बढ़िया ही है, 2, 3, 4, 5। साइड की डिज़ाइन की बात करो, डिज़ाइन बिल्कुल सेम वही क्वालिटी आ रही है इसमें। आपको नीचे की साइड इसका माइक मिल रहा है, और इसमें 3.5 mm का इसका जैक है, और इसमें नीचे V8 का इसमें चार्जिंग जैक है वही वाला। और बैक पैनल की बात करो, इसमें 5 mm इसका बैक पैनल है, लेकिन ऐसे लग रहा है कांच हो, इस टाइप का इसका बैक पैनल है। और इसमें आपको मिल जाता है ऊपर वाला कैमरा, नीचे कैमरे बिल्कुल फर्जी है, ये ओरिजिनल कैमरा नहीं है। LED इसमें जो LED है वो आपकी तो पूरी वर्क करेगी। और इसके ऊपर की डिज़ाइन की बात करो, इसका डिज़ाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें देखिए बटन भी अलग साइनिंग मार रहे हैं इसमें पूरे। और इसमें ये बटन ऐसे होने चाहिए, ब्लैक होना चाहिए था पूरा, जैसे हम बटन दबाते जब भी हमारे 1-2 नंबर चमकना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और इसमें डिस्प्ले साइज़ की बात करें, डिस्प्ले साइज 2.8 इंच की डिस्प्ले है। और इसकी बॉडी की बात करो, बिल्कुल स्लिम साइज है, देखिए बिल्कुल स्लिम है। और ये साइड में आपका सिम ट्रे, यहीं से सिम ट्रे है इसमें, आप नोजी पिन से आप निकाल सकते हैं। और इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह सब यहीं से डल जाएगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको एक 2 रुपये वाली पिन मिल रही है, गरीबों वाली, ये आ गया हमारा सिम ट्रे। इसमें मेमोरी कार्ड डल जाता है, और डुअल सिम है इसमें, जियो सिम नहीं चलेगा, क्योंकि जियो सिम सोचो आप चल जाए, 4G वगैरह नहीं है, खाली 3G सेट है। सबसे पहले मिल जाता है आपको इसमें कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, इसमें आप कॉन्टेक्ट सेव वगैरह कर सकते हैं, जैसे अदर मोबाइल में सब रहता है। और इसी कैमरे की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरीके से कैमरे की क्वालिटी आ रही है, देखिए ये कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इसमें आपको मिल जाता है मीडिया प्लेयर, आपको 128 GB तक इसमें सपोर्ट है। इसकी बैकअप की बात करो, इसका बैटरी बैकअप जो है, इसका बैकअप है इसमें 3 से 4 दिन। और इसमें जो इसके बैटरी का यूज़ है, 2000 mAh की इसकी बैटरी है, आपकी इसी वजह से 3-4 दिन आराम से चल जाएगी कॉल और हल्की बहुत म्यूज़िक सुनने पे। और ये आपके MP3 MP4 सपोर्ट है, और इसमें हल्का फुल्का नेट भी चला सकते हैं आप। इसमें आपको नेट का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इंटरनेट ये रहा, आपको इसमें इंटरनेट भी मिल रहा है, इंटरनेट से आप इसका नेट चला सकते हैं, गूगल वगैरह पे चल जाएगा आपका। और इसमें आपको फाइल मैनेजर मिल रहा है, उसी के ऊपर मिल रहा है गेम, F1 गेम है ये, कार वाला, या आप ये भी चला सकते हैं, क्या कार वाला गेम भी है इसमें, जो हम अदर मोबाइल छोटे छोटे मोबाइल आते थे नोकिया वगैरह उसमें खेलते थे, वाला गेम इसमें मिल रहा है आपको। और इसमें आपको मिल जाती है ऑटो कॉल रिकॉर्ड,
इसमें मेमोरी कार्ड डाल के आप कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे बड़े मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खोलते हैं, उसमें बोल देता है कि आपके नंबर पे कॉल रिकॉर्ड हो रही है, इस तरीके से बता देता है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आप बिल्कुल विदाउट टेंशन कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें मिल जाता है आपको मोबाइल ट्रैकर मिल रहा है, ब्लैक लिस्ट, और जैसे ऑप्शन है 1 2 3 ये बोलने का ऑप्शन है ना, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये सेल्क और जॉन है, इसमें से आप ऑफ भी कर सकते हैं इसे। और इसमें टॉल्स में, इसमें कैलकुलेटर वगैरह है, टॉर्च में है, टॉर्च दिखाता हूँ आपको जला के, टॉर्च किस टाइप से, टॉर्च इसकी ऐसी है, टॉर्च भी बढ़िया लग रही है, ये देखें रात के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें वाइब्रेशन वगैरह भी है। इसके गिलास जो ऊपर वाला है अटूट गिलास है, कंपनी वाले ही बोल के दे रहे हैं, आप इसमें हथौड़ा मारो तो डिस्प्ले के चूरा चूर हो जाएगा, कभी हथौड़ा मार मत देना आप। बाकी थोड़ा बहुत नॉर्मल गिरने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको मिल जाता है 1 ईयर वारंटी, और इसमें आपको मिल जाता है रीसेट बटन। हमारा मोबाइल हैंग हो गया तो आपको क्या करना है, ये बटन है, इससे आपकी एक ही बार प्रेस करना है और आपके मोबाइल रीसेट हो जाएगा, पूरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आप रीसेट कर सकते हैं जब कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके प्राइस की बात कर लूँ, इसका प्राइस बहुत सस्ता है, ये आपको 1899 मार्केट में मिल जाएगा, बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च हुआ है D9। सेल करके और भी फोन आ रहे हैं, उनकी वीडियो भी जल्द लाऊंगा। बस मोबाइल की वीडियो जो बनाई है मैंने, इस लुक की वजह से बनाई है, बिल्कुल iPhone 13 Pro वाला लुक दे रहा है ये। इसका लुक मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने इसी वजह से ऑनलाइन ऑर्डर करके इसलिए मंगा लिया। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा मोबाइल D9।